अब देखते हैं टूर्नामेंट के प्रकार, कितने प्रकार के भाई टूर्नामेंट खेले जाते हैं। सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद आता है आपका लीग टूर्नामेंट, फिर आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और फिर आता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। तो आइए देखते हैं इन सबके प्रकारों को अच्छे से। सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, हर टीम को बस एक मैच खेलने का मौका मिलता है दूसरी टीम से, ठीक है। और अगर वो टीम मैच हार जाती है, नाम का तो ये टूर्नामेंट है बहुत बड़ा, अगर वो टीम अपना पहला ही मैच हार जाती है तो वो हो जाएगी सीधा टूर्नामेंट से बाहर, ठीक है, दूसरा कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसे खेलने का। इसलिए नाम से पता चल रहा है नॉक आउट, आउट का मतलब बाहर, अगर आप हारते हैं तो सीधा आप हो जाएंगे आउट, बाहर। अब इसके लाभ क्या होते हैं, कम खर्चीले, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाते हैं, और टूर्नामेंट से बाहर होने के डर से टीमों द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन। अब क्या होता है, इसमें जो भी टीम टूर्नामेंट खेलने आती है नॉकआउट वाला, हर टीम के मन में एक डर रहता है, अगर हम एक भी मैच हारते हैं तो हम सीधा बाहर हो जाएंगे, तो सभी टीमों के मन में एक डर रहता है, जिसके कारण वो अपना अच्छा सा अच्छा बेस्ट अपना देने की कोशिश करती हैं। मैचों की संख्या कम होने के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा बोरिंग नहीं होते, कम मैच होते हैं इसमें, और जल्दी अच्छे से ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लाभ के साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं। पहली हानि है इसकी कम मैच। इसमें क्या होता है भाई, मैच होते हैं इसमें कम। नॉकआउट टूर्नामेंट में, ये ऐसे टूर्नामेंट में कई बार अच्छी टीमें जल्दी बाहर हो जाती हैं तथा मैचों की संख्या इनमें कम होती है, पहली हानि तो इसकी ये होती है। और अगर फाइनल मैच में कमजोर टीम खेलती है तो दर्शकों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मान लो अगर कोई अच्छी टीम थी, बढ़िया टीम थी, वो शुरू में ही बाहर हो गई, अगर एक मैच हार गई, और जो फिसड्डी टीम थी वो किस्मत से चमक गई और वो पहुंच गई भाई आगे, तो क्या होगा, जो बेकार टीम होती है, जो कमजोर टीम होती है, उस टीम का फाइनल देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ हानियां होती हैं। और अत्यधिक दबाव होता है खिलाड़ियों पर, क्योंकि आपको पता है एक भी मैच हार गए तो सीधा बाहर कर दिया जाएगा, तो हर खिलाड़ी के मन में एक थोड़ा सा दबाव रहता है कि हमें अच्छा करना है, नहीं किया तो हम बाहर हो जाएंगे। तो ये इसकी तीन हानियां हैं। अब अगला टूर्नामेंट है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को एक और नाम से जाना जाता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, जितनी भी टीमें होती हैं सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक ना एक बार जरूर खेलती हैं, ठीक है, जितनी भी टीमें होंगी एक दूसरे के साथ जरूर खेलेंगी, कम से कम एक बार तो जरूर खेलेंगी, एक बार से ज्यादा भी खेल सकती हैं। नॉकआउट में क्या था, एक बार ही खेलते ही बाहर, और उसमें भी अलग ही सिस्टम होता है सब कुछ, लेकिन इसमें क्या है, सभी टीमों को मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ खेलने का, कम से कम एक बार हर टीम के साथ हमारा मैच होगा, हमें एक बार हारते ही बाहर नहीं निकाला जाएगा इसमें। अब देखते हैं ये लीग टूर्नामेंट के लाभ क्या हैं। एक तो ये होता है योग्य टीम फाइनल में पहुंचती है, खेलने का अच्छा मौका मिलता है हर टीम को, क्योंकि वे हारते ही बाहर नहीं निकाला जाता, और अधिक पॉपुलर होते हैं। लीग टूर्नामेंट का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है आपका आईपीएल। आईपीएल आपको पता होगा कितना फेमस होता है, तो पॉपुलरिटी होती है इनकी, प्रसिद्धि होती है, टूर्नामेंट बहुत ये मतलब पॉपुलर होते हैं, और इसमें बहुत सारे मैच होते हैं भाई, 50 से ऊपर, 60 70 से ऊपर मैच होते हैं इसके अंदर कम से कम, तो लंबे समय तक चलते हैं, 1-2 महीने आराम से आपको मनोरंजन करवाते हैं, ये इसके लाभ होते हैं लीग टूर्नामेंट के। अब लीग टूर्नामेंट की कुछ हानियां भी होती होंगी। इसकी पहली जो हानि है वो है, यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं, इस वजह से दर्शकों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और क्या होता है, यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलता है, इस वजह से इस पर पैसा ज्यादा खर्च होता है। भाई लीग टूर्नामेंट चलता है बहुत लंबे समय तक, और जितना लंबा टूर्नामेंट चलेगा उतना खर्चा ज्यादा लगेगा, उतना खिलाड़ियों की केयर करनी पड़ेगी, उतनी ग्राउंड की केयर करनी पड़ेगी, और उतना ही आपका पैसा जो है वो ज्यादा लगेगा। और क्या होता है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैच ज्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया, और अगर कोई टीम बार बार मैच हारती है तो वह टीम डीमोटिवेट हो जाती है। अगर वो टीम दूसरी टीम से खेली हार गई, तीसरी से खेली फिर हार गई, चौथी से खेली फिर वो हार गई, पांचवी से भी हार गई, ऐसा अगर होता जाता है तो वो टीम का मनोबल गिर जाता है, वो टीम जो होती है वो डिमोटिवेट हो जाती है, और उसको अब फिर अपने अंदर जो है नेगेटिविटी फील होने लगती है। अब जो लीग टूर्नामेंट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार है इसका सिंगल लीग और दूसरा प्रकार है डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होगा, हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच खेलेगी, जितनी भी टीमें हैं सभी टीमों के साथ एक बार मैच जरूर होगा। डबल लीग में क्या होता है, जितनी भी टीमें हैं सब टीमों के साथ दो दो बार मैच जरूर होंगे, ठीक है, डबल का मतलब दो दो बार, सिंगल का मतलब एक एक बार, तो जितनी भी सभी टीमें हैं सबके साथ, सिंगल लीग है तो सभी के साथ एक बार मैच जरूर होगा, डबल लीग है तो सभी के साथ दो दो मैच जरूर होंगे। तीसरा टूर्नामेंट है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स।
ये ऐसे टूर्नामेंट है आपके स्कूल लेवल पर भी ये खिलवाए जाते हैं और स्कूल लेवल से ही बच्चा इनके बारे में जानना सीखता है। जैसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं, फिर हर जोन की विजेता टीम अथवा खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह पर भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो दिल्ली आपका एक क्षेत्र है पूरा, इसके अंदर हमने बांट दिया जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, ई, एफ, जी, अलग अलग जोन में हमने सारी टीमों को बांट दिया। मतलब अलग अलग जोन के आधार पर टीमें आपस में खेलेगी, जोन ए की टीमें आपस में भिड़ेंगी, जोन बी की भिड़ेंगी आपस में, आपकी जोन सी की, डी की, जोन जोन में आपस में खेलते रहेंगे। फिर क्या होगा, हर जोन से जो टीम या जो खिलाड़ी अच्छा होगा वो आ जाएगा फिर एक जगह, जोन से जीत के कहीं तो जाएंगे। तो मान लो ए बी सी डी ई सबसे एक एक टीमें जीत कर आ गई इधर, या एक एक खिलाड़ी आ गया इधर, उनको जो है फिर खिलाया जाएगा एक साथ, सभी जोन के खिलाड़ी एक ही टीम बनाकर फिर आपस में खेलेंगे। आप सोच सकते हैं वो टीम फिर कितनी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी उसमें विनर्स होंगे। उदाहरण दे देता हूं और अच्छा, हमारे स्कूल से बच्चे जोनल लेवल पर खेलते हैं, आपको पता होगा जोन पर खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जोन ए बी सी। फिर जोन लेवल के बाद क्या होता है, अगर वो बच्चा अच्छा खेलता है तो जोन के बाद उसको आगे मौका मिलता है स्टेट लेवल पर खेलने का, जहां पर उसकी टीम में अलग अलग जोन के खिलाड़ी आए होते हैं, जो अपने जोन के अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, विनर होते हैं, फिर वो वहां पर सारे स्टेट लेवल पे एक साथ खेलते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो होता है ये भी आपका चार प्रकार का होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। अच्छी सी ट्रिक है याद करने की, पहली तो होगा भाई नॉक नॉक नॉक, ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट, फिर दूसरी होगी लीग लीग, लीग कम लीग, उसके बाद होगा नॉकआउट कम लीग, मतलब एक अलग हो जाएगा, और फिर अगले में होगा लीग कम नॉकआउट, इसमें भी एक अलग हो जाएगा। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला जो नॉकआउट कम नॉकआउट है, इसमें क्या होता है, सभी टीमों को चार बराबर जोनों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक जोन की टीम जो है नॉकआउट के आधार पर खेलती है, नॉकआउट मैंने आपको बताया है एक बार हारते ही बाहर, तो ये जोन में जो टीमों को बांट दिया जाता है, हर जोन की टीम जो होती है आपस में खेलती है नॉकआउट के आधार पर। इसके बाद प्रत्येक जोन की विजेता टीम जो होती है वो दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलती है। दोबारा से जब वो आगे खेलने जाती है, मान लो एक तो अपने जोन में खेली, यहां से वो जीत गई, फिर दूसरे जोन की टीम के साथ जब वो खेलने जाएगी तो वो भी नॉकआउट के आधार पर खेलेगी, वहां पर वे हारते ही बाहर हो जाएंगे, और अंत में जीतने वाली टीम जो होगी वो इंटर जोनल विजेता कहलाएगी। फिर लीग कम लीग भी होता है, इसमें क्या होगा, हर टीम लीग के आधार पर खेलेगी, सभी टीमों को चार जोन में बांट दिया जाता है, इसमें भी बराबर बराबर बांट दिया जाता है, हर जोन की टीम जो है आपस में खेलती है लीग के आधार पर। फिर प्रत्येक जोन की विजेता टीम जो होती है दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ खेलती है, विनर विनर आपस में खेलते हैं, और कैसे खेलते हैं, लीग के आधार पर, और जो अंत में जीतता है इसको इंटर जोनल विजेता कहते हैं। यहां पर भी ऐसे ही आपका होता है नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग में क्या होता है, सभी टीमों को चार जोन में बराबर बांट दिया जाता है। इसमें आपको बता दूं पहले क्या आ रहा है नॉक, बाद में क्या आ रहा है लीग। तो जो शुरू में खेलेंगे ये नॉकआउट के आधार पर, वहां से जीत के जब दूसरे लेवल पे जाएंगे वहां पर ये खेलेंगे लीग के आधार पर, नाम से ही आपको हिंट मिल जाएगा। फिर प्रत्येक जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है, इसके बाद प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर खेलती है, और अंत में जीतने वाली क्या कहलाती है, इंटर जोनल विजेता। फिर आता है आपका लीग कम नॉकआउट, इसमें क्या होगा, शुरू में लीग मैच खेलेंगे, जो जीत के आगे जाएगा वो फिर नॉकआउट के आधार पर खेलेगा, सभी टीमों को चार जोन में बराबर बांट दिया जाता है, ये तो भाई हर टॉपिक में कॉमन बात है। फिर प्रत्येक टीम लीग के आधार पर खेलती है, शुरू में जो मैच होंगे वो लीग के आधार पर होंगे, ठीक है, और इसके बाद प्रत्येक जोन की विजेता टीम दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलेगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एंड में आ रहा है आपका नॉकआउट तो एंड में क्या होगा, नॉकआउट के आधार पर, शुरू में आ रहा है लीग तो शुरू में खेलेंगे लीग के आधार पर, और अंत में जीतने वाली क्या कहलाएगी, इंटर जोनल विजेता। जय हिंद, जय भारत।